आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और सिर्फ 10 मिनट में बन जाता है। इसे हम सब्जी रोटी के साथ, थेपले के साथ, दाल चावल के साथ या चाय और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप इसे एक बार बनाकर 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितनी हरी मिर्च ली है, उसे मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। हमें इस तरह की बड़ी वाली हरी मिर्च लेनी है और मैंने यहाँ डार्क वाली हरी मिर्च नहीं ली है, वो ज़्यादा तीखी होती है, ये हरी मिर्च कम तीखी होती है, तो मैंने इसका यूज़ किया है। तो अब हम मिर्ची को कट कर लेते हैं। मिर्ची के पीछे के हिस्से को हम इस तरह से कट कर लेते हैं और मिर्ची के हमें 2 हिस्से कर लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके हमें मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लेने हैं। आप चाहो तो बड़े टुकड़े भी कर सकते हो या फिर मिर्ची के 2 हिस्से भी कट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारी हरी मिर्च को कट कर ली है, ये देखिए। अब हम उसमें 3 टेबलस्पून जितना नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से जब मिर्ची में से पानी निकलेगा तो मिर्ची का जो तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा और मिर्ची भी हमारी अच्छे से नमक वाली हो जाएगी। अब उसमें हम 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और नमक और हल्दी को हम मिर्ची में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हल्दी और नमक को मैंने मिर्ची में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब उसे हम कवर करके या फिर कपड़े से ढककर हमें इसे कम से कम 15 मिनट तक का रेस्ट होने देना है। तो 15 मिनट हमारी हो गई है और आप देख सकते हो कि मिर्ची में से इस तरह से पानी निकल रहा है। अब मिर्ची को हम एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसमें से निकल जाए। और मिर्ची को हमें ऐसे ही खुला ही थोड़ी देर पंखे के नीचे रखना है। तब तक हम अचार का मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और आधा कप जितने हम सरसों की दाल यानी कि राई के कुरी ऐड करेंगे। साथ ही में 2 टेबलस्पून जितनी मेथी की दाल यानी कि मेथी के कुरिए, 2 टेबलस्पून जितनी हम सौंफ ऐड करेंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम लो गैस की फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं, ताकि जो कुरिए में हल्का सा मॉइस्चर हो वो निकल जाए और हल्की सी खुशबू आए तब तक हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो राई और मेथी और सौंफ के अच्छे से खुशबू आने लगी है और वो अच्छे से रोस्ट भी हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। अब वापस उसी पैन में हम 1.5 टेबल स्पून जितना नमक ऐड करेंगे और उसे भी हम लो गैस की फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, ताकि जो नमक में भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। आप कोई सा भी इंस्टेंट अचार बनाएं तो नमक उसमें भूनकर ही यूज़ कीजिएगा, आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। वो नमक अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब उसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हमने जो राई के कुरिए, मेथी के कुरिए और सौंफ रोस्ट करके रखा था ना, वो सारा मिक्सर हम इस मिक्सर जार में ऐड कर देंगे और मिक्सर जार को हम बंद करके पीस लेते हैं। मसाला को हमें दरदरा पीसना है, तो उसे हमें पल्स मोड पर यानी कि मिक्सी को हमें चालू बंद करके मसाले को दरदरा पीस लेना है। तो आप देख सकते हो कि मसाला मैंने अच्छे से दरदरा पीस लिया है। बस इस तरीके का टेक्सचर हमें मसाले का चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम आधा कप जितना तेल डालेंगे। मैंने यहाँ मूंगफली के तेल का यूज़ किया है। आप चाहो तो सरसों के तेल में भी ये हरी मिर्च का अचार बना सकते हो, मगर मुझे ये अचार मूंगफली के तेल में ही अच्छा लगता है। तेल को हमें धुआं निकले उतना गर्म कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि तेल हमारा अच्छे से धुआं निकले उतना गर्म हुआ है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट तक तेल को हम ठंडा होने देते हैं। तो 2 मिनट हो चुकी है और 2 मिनट के बाद हम उसमें 1 टीस्पून जितनी हींग ऐड करेंगे और हमने जो दरदरा मसाला पीसकर रेडी किया था ना, वो सारा मसाला इस हम गरम तेल में ऐड कर लेते हैं और उसी के साथ हम 1 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेते हैं और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें गैस को चालू नहीं करना है।
क्योंकि वैसे भी तेल हमारा गरम ही तो है और ये सारे मसाले गरम तेल में अच्छे से भुन जाएंगे। ज़्यादा गरम गरम तेल में ये सारा मसाला डालने से ये सारा मसाला जल जाता है, तो ये बात का भी ध्यान रहे। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। तो आप देख सकते हो कि मसाला भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब उसमें हमने जो नमक को रोस्ट करके रखा था वो सारा नमक हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को रोस्ट करके इसमें ऐड कीजिएगा। तो मिर्ची भी हमारी हल्की सी ड्राई हो गई है, अब ये सारा मसाला हम इस मिर्ची में ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मसाले को हम मिर्ची में मिक्स कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब लास्ट में हम एक टेबलस्पून जितना नींबू का रस ऐड करेंगे। ये नींबू का रस मिर्ची के अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नींबू का रस ऐड करने से मिर्ची के अचार में हल्का सा खट्टापन तो आता है और साथ ही में मिर्ची का अचार खराब भी नहीं होता है। तो लीजिए, हमारा ये इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार रेडी है। अब इसे हम एक एयरटाइट कांच की बोतल में भर लेते हैं। ये अचार आप फ्रिज में 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हो। इसे आप चाय पराठा के साथ, सब्जी रोटी के साथ या फिर थिपली के साथ, दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।